नमस्कार दोस्तों, पवन वाघ एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फार्मूला मेथड से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स फाइंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया उनका धन्यवाद। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक नई मेथड सीखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करने के लिए। पहले हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखी, उसके बाद हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखी। आज हम फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। बहुत सिंपल ये मेथड है, आपको डायरेक्ट फार्मूला लगाना है और डायरेक्ट उसको सॉल्व करना है, ओके। लेकिन अगर आपने इसके जो पहले वाले प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज वॉच दोज वीडियोस, सो दैट यू विल गेट द आइडिया कि रूट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, सारी चीजें आपको पता चल जाएगी, ओके। हम आते हैं अपने टॉपिक पर। जो आज का टॉपिक है दैट इज फार्मूला मेथड। कैसे हम फार्मूला मेथड यूज करते हैं, और सबसे पहली बात, फार्मूला आता कैसे, कहां से आया। हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अभी हमने इसके पहले जो प्रीवियस वीडियो था हमारा, उसमें हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखी थी। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिखाते समय मैंने आपको क्या कहा था कि जब भी एक्स स्क्वायर हो तो उसके साथ में ए नहीं होना चाहिए। मैं आपको फार्मूला बनाना बता रहा हूं कि कैसे फार्मूला हमारे पास आया, वो फार्मूला कैसे डिराइव हुआ, ओके। तो मैंने आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में बताया था कि एक्स स्क्वायर के साथ में सिर्फ वन आना चाहिए, और अगर कोई नंबर आता है तो हम क्या करेंगे, उस नंबर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो को हर जगह आप a से डिवाइड कर दो, ठीक है। ये पहली केस आ गई। यहां पर हमें क्या मिलेगा, a a कैंसिल हो जाएगा, तो यह मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए। हम क्या करते थे, कॉन्स्टेंट टर्म को सेट शिफ्ट करते थे। पहली बात क्या करते थे कि x के साथ में, एक्स स्क्वायर के साथ में हमें वन चाहिए होता था, तो हमने यहां पर तो a था, इसके लिए हमने a से डिवाइड किया। अगर वन रहता तो हम अगली स्टेप पर आ जाते, कॉन्स्टेंट टर्म को हम सेट शिफ्ट करते। आगे क्या कर सकते हैं, इसे अब हमें 2ab के फॉर्म में जमाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू बी अपॉन ए लिख दीजिए। देखिए यहां x b अपॉन a x था, मैंने 2 लगाया है, तो मैं 2 नीचे भी लगा देता हूं अपॉन में। इसका एक और तरीका है, अगर आपके दिमाग में, मतलब पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया नहीं कि जब आप इस स्टेप के बाद में जब आप अगली स्टेप पे जाते, तो मैंने आपको यह बताया 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, और यहां जो ये नंबर मिल गया हमें, क्या मिल गया नंबर, हमें मिल गया b अपॉन 2a। हम b अपॉन 2a के स्क्वायर से दोनों साइड ऐड करते हैं, मतलब इसके अगली स्टेप हम क्या लिखते हैं, दैट इज 2 into x into b अपॉन 2a plus b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c अपॉन a plus b अपॉन 2a होल स्क्वायर। लेकिन ये b अपॉन 2a, अभी कुछ लोगों को प्रॉब्लम आती है, सर आपने ये कैसा लिखा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। लेकिन अगर आपको नहीं पता चलता कि यहां पर ये कैसे लिया, तो आपको क्या करना है, ये जो टर्म है, इस टर्म को, दैट इज बी अपॉन ए एक्स को एक 2 ए एक्स से सपोज करना है, 2 एक्स के ए एक्स के इक्वल लेना है, ओके। सपोज ए वो नंबर है जिससे हमको दोनों साइड स्क्वायर करके उसको ऐड करना है, तो क्या होगा, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 2 इसके अपॉन में आ जाएगा, तो बी अपॉन 2 ए। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, देखिए आपको ए मिल गया, तो इस ए का स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दीजिए। मतलब आपको अगर यहां पर ये बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप ऐसे करके भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे पिछले वीडियो में बताना चाहिए था, मैंने बताया नहीं हूं, मैंने डायरेक्ट आपको ये बताया था कि हाँ इसको आपको 2ab के फॉर्मेट में लाना है, तो देखिए मैंने 2ab के फॉर्मेट में लाया, और अब ये जो b आया था उसका स्क्वायर करके दोनों साइड ऐड कर दिया। अगली स्टेप क्या बनेगी हमारी, हमारी अगली स्टेप बनेगी, यहाँ पर फार्मूला हम लगाएंगे, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। देखिए ए की जगह x है, ए की जगह x है, b की जगह b अपॉन 2 है, b की जगह b अपॉन 2 है, तो हम इसको फार्मूले में कन्वर्ट कर दे, तो ये हो जाएगा x प्लस बी अपॉन 2 ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 4 ए स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको रेस कर लेता हूं। अब देखिए इस स्टेप को मैं ऊपर लिख लेता हूं यहां पर, क्योंकि हमें अभी फार्मूला बनाना है, तो फार्मूला बनाने में हमको इस स्टेप की मदद लेना पड़ेगी। क्या है ये स्टेप, दैट इज x प्लस बी अपॉन 2 ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए प्लस
बी स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर। देखिए यहां पर ए है और यहां फोर ए स्क्वायर है, मुझे अगर दोनों जगह चाहिए तो मैं दोनों जगह फोर ए से मल्टीप्लाई कर देता हूं यहां पर, तो दोनों जगह फोर ए से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दू ऊपर और नीचे तो एलसीएम यहां पर क्या आ जाएगा, यहां एलसीएम आ जाएगा फोर ए स्क्वायर और ऊपर हो जाएगा माइनस फोर ए सी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहां पर ये क्या आएगा एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर, ये ऐसा कैसे रहेगा। ठीक है, अब यहां देखिए एक्स प्लस बी अपॉन टू ए होल स्क्वायर जो है, मैं इसको थोड़ा सा आगे लिख लू बी स्क्वायर को और माइनस फोर ए सी ऐसा लिख लू अपॉन फोर ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होगा इस स्टेप के बाद में आपको स्क्वायर को रिमूव करना है, इधर स्क्वायर रूट लगाना है, तो क्या होगा ये एक्स प्लस बी अपॉन टू ए इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन फोर ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन, या एक काम कीजिए बी अपॉन टू ए हम उधर शिफ्ट कर दे। ठीक है, एक्स यहां लिखे इज इक्वल टू ये होगा प्लस माइनस अंडर रूट, ये होगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन में जो होगा 4 का स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2 हो जाए 2 आ जाएगा माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है, अब यहां देखिए दोनों जगह पर अपॉन में 2 है तो मैं यहां लिख दूं x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी माइनस बी अपॉन 2 है। देखिए दोनों के अपॉन में 2 है था तो एक बार लिख लिया, इस माइनस बी को आगे लिख लीजिए, ये होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी अपॉन 2a। बस यही वो फार्मूला है जिसकी मदद से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। यहां प्लस माइनस देके रखा है तो एक बार प्लस लेंगे तो आपको एक रूट मिलेगी, माइनस लेंगे तो दूसरी रूट मिलेगी। तो देखिए मैं अगर सपोज फर्स्ट रूट अल्फा लेता हूं तो अल्फा क्या होगा माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन 2a, और अगर मैं बीटा लेता हूं ये प्लस लिया है तो बीटा क्या आएगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। देखिए आप सोच रहे होंगे सर आपने अल्फा ये लिया बीटा ये लिया, आप इसे भी बीटा ले सकते थे इसे अल्फा ले सकते थे, मतलब आप प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना है कि अगर आपने अल्फा में इसको लिया है यहाँ प्लस साइन लेके रखी अल्फा की तो अल्फा विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन बीटा, और अगर आपने अल्फा को माइनस लिया तो फिर बीटा उससे बड़ा आएगा। लेकिन ये इस तरह से है, इस तरह से आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। हालांकि अभी तक तो मैंने नहीं देखा कि कहीं किसी एग्जाम में फार्मूला डेरिवेशन पूछा है कि कैसे डिराइव किया फार्मूला बताओ, ये फार्मूला कैसे इसको प्रूफ करके बताओ, प्रूफ दैट इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो देन प्रूफ दैट द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए के इक्वल होता है, ऐसा प्रूफ करने के लिए अभी तक नहीं आया। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एक्जैक्टली ये बनता कैसे, तो इसी के लिए मैंने बताया आपको कि हमने क्या किया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वेशन ली, इस ए को रिमूव करने के लिए हमने ए से डिवाइड कर दिया, उसके बाद ये स्टेप हमारी आ गई सी अपॉन ए को हमने उस साइड शिफ्ट कर दिया, यहां हमें टू ए बी के फॉर्मेट में जमाना था टू से मल्टीप्लाई कर दिया टू से डिवाइड कर दिया और उस इस बी अपॉन टू ए से दोनों साइड प्लस कर दिया, दोनों साइड स्क्वायर करके प्लस कर दिया। उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़े तो हमारे हाथ में ये फार्मूला आ गया, दिस इज द फार्मूला। ओके, इसका फार्मूले का यूज करके ही हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने वाले हैं, दो रूट्स लेने वाले हैं अल्फा बीटा, अल्फा जो होगा हम पॉजिटिव साइन के लिए लेंगे बीटा नेगेटिव के लेंगे, और अगर आपने अल्फा नेगेटिव के लिए लिया है और बीटा पॉजिटिव के लिए लिया है, देखिए दो बातें हैं, अल्फा अगर आप पॉजिटिव लेते हैं तो अल्फा विल बी ग्रेटर देन बीटा और अगर अल्फा आप नेगेटिव लेते हैं तो अल्फा विल बी स्मॉलर देन बीटा। ओके, सिर्फ कोई फर्क होने वाला है, हालांकि वो भी कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो इस तरह से इसको करना है। इस फार्मूले का यूज हम कैसे करेंगे कि सपोज हमारे पास में कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके रखी और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से, वहां हमें a b c तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, तीनों की वैल्यू मिलने के बाद में हम b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे और बाद में इस फार्मूला लिख के उसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो बहुत सिंपल सा है, आइए अब हम करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.4, इसमें ऐसी कोई एक्टिविटी अभी देके नहीं रखी है, डायरेक्ट हम 2.4 एक्सरसाइज शुरू करते हैं। बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल ये चैप्टर है, तो डेफिनेटली इसमें से जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे के सारे आप पूरे के पूरे मार्क्स आपको मिलेंगे उसमें से। ठीक है, सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को फैक्टराइजेशन मेथड में प्रॉब्लम आती है, कुछ को कंप्लीटिंग स्क्वायर में प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन दोनों में जहां पर जिनको प्रॉब्लम आती है वो फार्मूला मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अगर आपको स्पेसिफिक दिया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो ठीक है, लेकिन आपको ऐसा बोला सॉल्व दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर तो आपको जो मेथड अच्छी लगती है आप उससे कीजिए। ठीक है, तो आइए अब हम करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.4। आइए प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहां हमें देखे रखा है कि कंपेयर दी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द जनरल फॉर्म एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एबीसी, हमें एबीसी की वैल्यू निकालना है।
तो जनरल फॉर्म से कंपेयर करना, मतलब हमें ax square plus bx plus c से कंपेयर करना, तो उससे अगर कंपेयर करना है तो पहले हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए रखी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो पहले हम उनको कन्वर्ट करेंगे उसमें। यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां हम डायरेक्ट लिख देंगे यहां पर कंपेयर द गिवन इक्वेशन, द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विथ, किससे कंपेयर करेंगे आप, यू विल कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो देखिए ए की जगह क्या है भाई, ए की जगह कुछ नहीं है, तो दैट इज ए इज इक्वल टू वन, बी की जगह है माइनस सेवन और सी की जगह है फाइव, बस इस तरह से इसको करना है। इससे डिफिकल्ट मतलब इससे सिंपल और कुछ नहीं है, सॉरी डिफिकल्ट मैं कह रहा हूँ, दैट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन। आइए अब इसमें अगला वाला करते हैं, दैट इज टू एम स्क्वायर इज इक्वल टू फाइव एम माइनस फाइव। ये जो है ये जनरल फॉर्म में नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख ले, टू एम स्क्वायर माइनस फाइव एम होगा, प्लस फाइव इधर जाके माइनस हो जाएगा और माइनस फाइव इधर आके हो जाएगा प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो। आपको इसको कंपेयर करना है, लिखिए यहाँ कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे आप, देखिए यहां पर जो इक्वेशन थी वो x के फॉर्मेट में थी, वेरिएबल x था तो हमने x वाला लिया, यहाँ वेरिएबल m है तो हम जो जनरल इक्वेशन लेंगे वो हम m के फॉर्म में ही लेंगे। इसे लिखिए ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो a की जगह क्या आ रहा है, दैट इज टू, b की जगह आ रहा है माइनस फाइव और c की जगह आ रहा है फाइव, इस तरह से इसको करना है। अगला वाला करते हैं हम, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सेवन वाई लिखा है तो इसको आप लिख लें, दैट इज y square minus 7y is equals to 0, और you can write y square minus 7y plus 0 is equals to 0. अब देखिए यहाँ पर वेरिएबल m था तो हमने m वाला स्टैंडर्ड फॉर्म लिया था, यहाँ वेरिएबल y है तो हम क्या करेंगे, कंपेयर विद करते समय वहां पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम वेरिएबल y लेंगे, तो ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो a की जगह आ गया 1, ओके okay, बी की जगह आ गया माइनस सेवन और सी की जगह आ गया जीरो, बस इस तरह से इसको करना है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दिस स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। आइए अब प्रैक्टिस सेट का सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वो हमें करना है सॉल्व यूजिंग फार्मूला, आपको फार्मूला यूज करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है क्या देखते हैं, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के रखा है तो अब हम इसको कंपेयर करेंगे, यहां लिखिए कंपेयर करके हम एबीसी की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद हम फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। उसके पहले बीस का माइनस फोर एसी भी हमको निकालना है, ठीक है। मैं आपके लिए यहां पर फार्मूला पहले लिख देता हूं, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर एसी अपॉन टू ए, ठीक है। ये फार्मूला मैंने आपके लिए इसके लिए लिख के रखा है कि कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगी, थोड़ी देर बाद ही समझेगा कि हमने क्यों लिख के रखा है, ठीक है। यहां हमें एबीसी की वैल्यू निकालना है, यहां लिखिए कंपेयर, कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करना है हमको, हमें कंपेयर करना है दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। तो हमें ए क्या मिल रहा है यहां पर, देखिए ए यहां पर है वन, बी यहां पर जो है वो सिक्स है और सी जो है यहां पर है फाइव, ठीक है। ए बी सी फाइंड करने के बाद में हमें बी स्क्वायर माइनस फोर एसी की वैल्यू फाइंड कर लेना है, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस फोर एसी क्या होगा, यहां पर लिखिए बी स्क्वायर माइनस फोर एसी हमें निकालना है, तो बी की वैल्यू पुट कीजिए, बी की वैल्यू सिक्स है, सिक्स स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह है वन और सी की जगह है फाइव, ठीक है। क्या होगा ये, सिक्स स्क्वायर होगा थर्टी सिक्स माइनस फोर फाइव होगा ट्वेंटी, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी किसके इक्वल आएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल आएगा दैट इज सिक्सटीन के, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहां लिखेंगे फार्मूला, फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, वैल्यू पुट कीजिए, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू कितनी है, सिक्सटीन है, तो अंडर रूट सिक्सटीन लिख दीजिए अपॉन में टू ए, टू इंटू ए की वैल्यू क्या है, दैट इज वन, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस सिक्स प्लस माइनस अंडर रूट सिक्सटीन होगा फोर अपॉन टू, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, x की एक वैल्यू जो लेंगे अल्फा हम ले लेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे उसके लिए प्लस ले लेंगे साइन और एक वैल्यू निकालने के लिए हम ले लेंगे माइनस साइन, ठीक है, बीच में लिख देंगे और, तो क्या होगा ये अगली स्टेप में क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस सिक्स में से फोर गया तो माइनस टू अपॉन टू, तो x की वैल्यू आ गई माइनस वन, ठीक है। यहां और लिख लीजिए दोनों जगह, यहां क्या होगा,
माइनस सिक्स माइनस फोर हो जाएगा माइनस टेन अपॉन टू, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव। बस इस तरह से इसको करना है। ओके, बहुत सिंपल सा ये मेथड है, इसमें तो मतलब आप पूरी तरह एंजॉय करोगे, इतनी अच्छी एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, उसके बाद हम इसका करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब अगली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वो देखिए लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। ओके, सबसे पहला काम हमारा, हम कंपेयर कर ले इसको, कंपेयर विथ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें, तो ए की जगह हमें मिलेगा वन, बी की जगह हमें मिलेगा माइनस थ्री और सी की जगह मिलेगा माइनस टू। ठीक है, तीन वैल्यू हमें मिल गई, देखिए ए की जगह वन है, बी की जगह माइनस थ्री है, सी की जगह माइनस टू है। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर मतलब माइनस थ्री स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह वन और सी की जगह माइनस टू, थ्री स्क्वायर हो जाएगा माइनस थ्री स्क्वायर हो जाएगा प्लस नाइन, माइनस इंटू माइनस प्लस, फोर टू जा एट, तो नाइन और एट कितना हो जाएगा, नाइन और एट हो जाएगा सेवनटीन। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू क्या आ गई, सेवनटीन आ गई। ठीक है, अब हम फार्मूला लिख लें, फार्मूला क्या होता है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ओके, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है, दैट इज माइनस थ्री, देखिए माइनस और माइनस थ्री, यहाँ प्लस माइनस का ध्यान रखना, प्लस माइनस अंडर रूट, देखिए माइनस का माइनस और बी की वैल्यू माइनस थ्री, इसके लिए माइनस थ्री है लिखा है। ठीक है, बी की वैल्यू माइनस थ्री है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है सेवनटीन, तो अंडर रूट सेवनटीन है लिख लीजिए। ठीक है, अपॉन टू ए, ए की वैल्यू क्या है वन है, तो वन लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू, तो एक्स की दो वैल्यूज आएगी, एक्स इज इक्वल टू आएगा थ्री प्लस अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू और एक्स इज इक्वल टू थ्री माइनस अंडर रूट सेवनटीन अपॉन टू। इसमें एक बात ध्यान रखिए कि अगर आपने ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पहले से निकाल के नहीं रखा, आप डायरेक्ट यहां भी सॉल्व करते तो भी चलता है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में इसको निकाल के दिया है पहले, और वो इसके लिए निकाल के दिया है कि जब हम इतने बड़े इसमें इसको लेके सॉल्व करते तो कई बार बच्चों से गलतियां हो जाती है, उसके लिए बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को पहले सॉल्व किया है। आप अगर डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट करते तो भी चलेगा, कोई ऐसा डरने वाली बात नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान से करना है। यहाँ पर गलतियां जनरली यहीं पर ही होती है, यहीं पर होती है और इसके कैलकुलेशन में ही होती है, तो उसी के लिए इसको अलग से इसने पहले बता के रखा है। ठीक है, हम अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट। ओके, आइए अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं, वो देख रखा है थ्री एम स्क्वायर प्लस टू एम माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो। तो ये m यहाँ पर वेरिएबल यूज हुआ है, तो कंपेयर करते समय हम वैसी ही इक्वेशन लेंगे, यहां लिखिए कंपेयर, कंपेयर विथ इक्वेशन लिखिए, दैट इज ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, a की वैल्यू मिलेगी दैट इज थ्री, b की वैल्यू मिल जाएगी टू और c की वैल्यू मिल जाएगी माइनस सेवन। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी हमको निकालना है पहले, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा, b की वैल्यू है टू, तो टू स्क्वायर फोर एज इट इज, a की जगह पर थ्री और c की जगह पर माइनस सेवन। ठीक है, टू स्क्वायर क्या होगा, फोर हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होगा, फोर थ्री जा ट्वेल्व, ट्वेल्व सेवन जा एटी फोर, ये 84 हो गया, तो ये आ गया 88, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या आ गया, ये आ गया 88। अब हम फार्मूला लिखते हैं, यहाँ पर फार्मूला क्या है, दैट इज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ठीक है, एक्स एज इट इज, बी की वैल्यू है टू, तो ये हो जाएगा माइनस टू, माइनस का माइनस, बी की वैल्यू टू, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है 88, लिखिए 88 अपॉन टू ए, ए की वैल्यू क्या है, दैट इज थ्री। ठीक है, आगे आते हैं हम, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, इस 88 को मैं लिख सकता हूं फोर इंटू ट्वेंटी टू, ओके, और ये टू इंटू थ्री। ठीक, अब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस टू प्लस माइनस, अंडर रूट फोर का स्क्वायर होता है टू, टू ये फोर बाहर आ जाएगा, मतलब ये टू हो जाएगा और ये बचेगा अंडर रूट ट्वेंटी टू अपॉन में है टू इंटू थ्री। एक काम कीजिए, यहां से टू कॉमन निकाल लीजिए, यहां से अगर मैं टू कॉमन निकालू तो यहां बचेगा माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी टू अपॉन टू इंटू थ्री, टू टू कैंसिल। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट ट्वेंटी टू अपॉन थ्री, तो एक्स की दो वैल्यूज आएगी, एक बार हम प्लस में ले लेंगे, ओके, और लिख के दूसरी बार हम क्या करेंगे, इसको माइनस में अंडर रूट ट्वेंटी टू ले लेंगे,
बस इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। वो देखे रखा है 5m² - 4m - 2 = 0। ठीक है, तो कंपेयर करें इसको, हम किससे कंपेयर करेंगे? वी विल कंपेयर विथ am² + bm + c = 0 से। तो हमें a मिला है दैट इज 5, b मिलेगा दैट इज -4 और c मिलेगा -2। ठीक है, क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले b² - 4ac हमें निकालना है। तो b² मतलब b की वैल्यू -4 है, -4² -4 a की जगह 5, b की जगह c की जगह -2। ओके, क्या हो गए? -4² होगा 16, -into - +4 5 = 20, 20 2 = 40, ये हो गया 56। देखिए 4 5 = 20, 22 = 40, -+ हो गया 56, ये आ गया है। तो यहां लिख लीजिए दैट इज b² - 4ac = 56। फार्मूला लिखिए यहां, x = -b + √b² - 4ac / 2a। माइनस बी मतलब माइनस लिख के माइनस बी की वैल्यू पुट करेंगे तो -4 होगा, +√b² - 4ac कितना है? 56 है, 56 है अपॉन 2a, a की वैल्यू क्या है? 5 लिखिए यहां पर। ये देखिए -into - हो जाएगा प्लस, तो ये 4 बचेगा यहाँ, +-, 56 को आप लिख सकते हैं 4 into 14, 14 4 = 56। ओके, आगे हम आते हैं 2 into 5। देखिए मैंने इसको अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट क्वेश्चन में मैंने 2 कॉमन निकाल लिया था, यहाँ भी ऐसे ही होगा। ये 4 + -, ये 4 जब बाहर आएगा तो होगा 2 √14 / 2 × 5। यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, यहां बचेगा 2, अगर 4 में से निकल गया तो बचेगा यहां 2, और यहां बचेगा +√14 / 2 × 5। क्या होगा? 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 + √14 / 5। तो दो वैल्यूज हमें मिलेगी x की, लिख लीजिए यहां पर x = 2 + √14 / 5 और x = 2 - √14 / 5। तो इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम बढ़ते हैं आगे। आइए अब इसमें अगला क्वेश्चन करते हैं। वो देख रखा y² + 1/3y = 2। तो सबसे पहले क्या कीजिए, अपॉन में कोई नंबर है, पहले 2 को आप इधर लेके आइए, ये होगा y² + 1/3y - 2 = 0। मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि जो भी नंबर अपॉन में होता है उससे दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये होगा 3 × y² + 3 × 1/3y = 2 × 3 and 0 × 3। ठीक है, ये क्या होगा? ये हो जाएगा 3y² + 3 कैंसिल, बचेगा y - 6 = 0। ओके, ये कंडीशन यहां पर आ गई। अब हमें क्या करना है? हमें अब इसको कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करेंगे हम? यहां पर हमारे पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन y के फॉर्म में है, तो हम ay² + by + c से कंपेयर करेंगे। तो a की जगह आएगा 3, b की जगह आएगा 1 और c की जगह आएगा -6। देखिए a की जगह पर है 3, b की जगह है कुछ नहीं मतलब 1, c की जगह -1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम b² - 4ac निकाल लेंगे। b² - 4ac मतलब 1² - 4, a की जगह 3, c की जगह -6, 1² 1 होगा, -into - हो जाएगा प्लस, 4 3 = 12, 12 6 = 72। तो ये हो गया 73, मतलब b² - 4ac की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? b² - 4ac इक्वल आ गया 73 के। फार्मूला लिखते हैं, x = -b + √b² - 4ac / 2a। तो x = -b, b की वैल्यू है 1, ये होगा -1 + √73 / 2 × a की वैल्यू क्या है? 3 है। तो ये होगा x = -1 + √73 / 6। ठीक है, 73 को आप मल्टीप्लाई किससे, फैक्टराइजेशन कर ही नहीं सकते उसका। ओके, तो उसको आप ऐसे ही छोड़ दीजिए। ठीक, तो इसे हम दो बार लिख लें, एक बार पॉजिटिव साइन के साथ में, एक बार निगेटिव साइन के साथ में। -1 + √73 / 6 और x = -1 - √73 / 6। बस इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है।
ओके, आप लिखना चाहे तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। आइए अब क्वेश्चन सेकंड का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। कंपेयर कीजिए इसको, लिखिए यहां पर कंपेयर विथ, किससे कंपेयर करेंगे हम कंपेयर करेंगे दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो a की जगह पर क्या है, यहां पर a की जगह है 5, देखिए b की जगह है 13 और c की जगह क्या है दैट इज 8। ठीक है, क्या करेंगे हम, निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, b की जगह 13 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 5, c की जगह 8। 13 स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 169, 4 5 20 28 160 बच गया फिर 9, तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो गया, ये 9 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम फार्मूला लिखेंगे दैट इज x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, x एज इट इज माइनस b की जगह पर आएगा माइनस 13 प्लस माइनस अंडर रूट ये आएगा 9 अपॉन 2 इंटू ए की जगह 5। एक बार ध्यान रखिए, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं तो यही पर हमको पता चल जाता है कि स्क्वायर रूट का क्या होने वाला है। यहां अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है तो उसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है, और अदरवाइज अगर प्राइम नंबर आता है तो फिर वो स्क्वायर रूट में रहेगा। जैसे 73 था तो उसको ऐसे ही हमने रख दिया, 56 को हमने ब्रेकअप कर लिया था, ठीक है, तो जो ब्रेकअप हो सकते हैं उनको हम ब्रेकअप कर लेंगे, अदरवाइज यहां पर ही हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है वो किस टाइप का होगा। यहां आप क्या करेंगे हम, यहां अगली स्टेप आएगी x = -13 प्लस माइनस अंडर रूट 9 हो जाएगा 3 अपॉन 2 5 = 10। क्या करेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, x = -13 प्लस 3 अपॉन 10 और x = -13 माइनस 3 अपॉन 10, तो x = 13 में से 3 गया तो बचेगा माइनस 10 अपॉन 10, तो x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, और अगली कंडीशन क्या है, ये होगा माइनस 16 अपॉन 10, तो ये हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 5। ठीक है, बस इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है, अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट, फिर हम करते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रैक्टिस सेट का जो आखिरी क्वेश्चन देके रखा है वो एक्टिविटी के फॉर्म में देके रखा है, लेकिन वहां वही करना है जो अभी तक हमने किया, तो उसमें ऐसा कुछ नई बात नहीं है। देखिए आप अगर देखें, अगर आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो देखिए टेक्स्ट बुक में वहां देखे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ abc, मतलब आपको यहां पर कंपेयर करना है, तो यहां लिख लीजिए कंपेयर विथ। ठीक है, पहला पार्ट हम यही सॉल्व कर लेते हैं, कंपेयर विथ किससे करेंगे हम, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर लेंगे, तो a की जगह कुछ नहीं है मतलब 1 आएगा, b की जगह 2√3 है और c की जगह पर 3 है, तो a b c तीन वैल्यूज आ गई। ठीक है, आगे क्या बोलता है वो, फाइंड b स्क्वायर, अगले इसमें इसकी अगली स्टेप में बोलता है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, तो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैं आगे नहीं निकालता हूं, मैं नीचे निकालता हूं, आप लिखते समय उसको उस तरह से ब्लॉक्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, वो होगा b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा भाई, b की वैल्यू है दैट इज 2√3 होल स्क्वायर माइनस 4 a की जगह 1 c की जगह 3। ठीक है, देखिए क्या होगा, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट 3 का स्क्वायर होगा 3, मैंने आपको पहले ही बताया था रूट 3 का स्क्वायर मतलब क्या, रूट 3 का स्क्वायर मीन्स रूट 3 इंटू रूट 3, इसका मतलब क्या होगा, 3 पावर जो होगी अंडर रूट हटाएंगे हम तो हाफ हो जाएगी। ओके, जब बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाती है, तो हाफ हाफ हो जाएगा 1, मतलब अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3। ठीक है, माइनस 4 इंटू 3, तो ये क्या हो गया, ये हो गया 4 3 जा 12 माइनस 12 दैट इज 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। फिर आगे क्या बोलता है, राइट द फार्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या है फार्मूला, x = -b + - √b² - 4ac / 2a। ठीक है, तो फार्मूला लिख लिया, बाद में आके लिख के रखा है कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ abc, तो abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वहां पर, यहां क्या होगा, b की वैल्यू है दैट इज -2√3 + - √, ये तो 0 है, 0 लिख दीजिए / 2a, a की वैल्यू क्या है दैट इज 1, तो क्या आया, x = -2√3 / 2, तो x = आया √-3। ओके, अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि आंसर एक ही है सर, ऐसा नहीं, देखिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपको दो आंसर लिखना होता है, तो इसके आंसर सिर्फ -√3 नहीं आएगा, ये -√3 आपको दो बार लिखना है। ओके, इट इज अ इक्वेशन इज हैविंग सेम रूट्स, ये इसके लिए कि आप अगर अभी इसे आप फैक्टराइजेशन मेथड से करो तो ये 3 है,
यहाँ पर 2√3 है, मैं 2√3 को अगर √3 + √3 लिख दूं तो आंसर हमें दोनों बार -√3 मिलेगा। तो अगर किसी केस में अगर 0 आ जाता है ये b² - 4ac, तो आपको सिर्फ एक आंसर नहीं लिखना है, आपको दो आंसर लिखना है। तो इस तरह से इसको करना था, ये बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जब भी एक आंसर आए तो उसको दो में आप लिख लीजिए, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं है, आपके मतलब आखिरी स्टेप में मार्क्स नहीं कम होना चाहिए, ओके, तो वहां गलती ना हो, ठीक। तो इस तरह का ये सब कुछ था, आई होप आपको ये वीडियो, ये मेथड आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी, धन्यवाद।